आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आजाद सिपाही में आपका स्वागत है, मैं हूं चंद्र प्रकाश। आज विधानसभा का मानसून सत्र का आखिरी दिन था और इसी को लेकर विधानसभा में आज हंगामा वगैरह हुआ, आइए जानते हैं। देखिए, सदन में राज्य के जो हमारे नियोजित शिक्षक थे हाई स्कूल के, जिनको हाईकोर्ट ने बर्खास्त किया, उसी विषय पर लेकर कार्यस्थगन आया था और हम लोग बेल में आके सरकार से मांग कर रहे थे कि उनको फिर से नियोजन किया जाए, उनको फिर से जो बर्खास्ती की, सरकार को अपना पक्ष हाईकोर्ट में रखनी चाहिए। इसे सारे विषयों को लेकर और लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं थी, सारे पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज के मुद्दे थे और बड़ा ही प्रजातंत्र तरीके से सदन में भीतर हम लोग अपनी आवाज़ को रख रहे थे। इसमें माननीय स्पीकर ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, तो हमने कहा ऐसा ही चलेगा, इतना ही हमने कहा। उस पर उन्होंने कहा, उसके बाद मैं जाकर बैठ गया अपने सीट पर, उसके बाद कहा इसको बाहर करो। आप देखें लाइव देखें तो वह उत्तेजित हो गए, इनको बाहर। गुंडा के साथ भाजपा के लगभग सभी विधायक वे बेल में थे, तो पार्टिकुलर मेरे साथ इस तरह से जो उन्होंने व्यवहार किया, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि वो जो स्पीकर जो होते हैं वो सत्ता विपक्ष दोनों के गार्जियन होते हैं और स्पीकर के माध्यम से आवाज़ हम लोग पहुँचाने। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का एजेंट बनकर काम कर रहे हैं और सरकार की नाकामी जब हम लोग रखते हैं तो कहीं ना कहीं स्पीकर बौखला जाते हैं। सरकार की नाकामी को रखने से स्पीकर महोदय बौखला जाते हैं, उसी बौखलाहट का ही आज परिचय था जो आज मेरे साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया, मास्क लगा के बाहर किया, फिर उनको गलती का एहसास हुआ, सेकंड हाफ में बुलाए वो, तो एक बार नहीं 100 बार भी मास्क लगाएंगे तो मैं जनता की आवाज़ बन के विधानसभा में गूंजूंगा, रणधीर सिंह गूंजेगा, इसमें कहीं कोई दराय नहीं है। सर कोरोना को लेकर, सर कोरोना को लेकर, कोरोना की हालात आप देख लें, झारखंड राज्य की आबादी 3.25 करोड़ और बिहार की आबादी 10.5 करोड़। बिहार में जितना कोरोना के पेशेंट हैं, जबकि बिहार से 1/3 आबादी यहाँ कम है, लेकिन कोरोना के पेशेंट को जब देखें तो बिहार के बराबरी में हम चल रहे हैं। राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा कोरोना पेशेंट यहाँ निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार कोरोना में पूरी तरह से फैला है। सर सहायक पुलिसकर्मी का जो अभी जो मांग है वो लेकर सदन में सर क्या हुआ? निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार इतनी जल्दी से इसको मानेगी और हम लोग इसको लेकर, और जो सरकार ने कहा था कि हम सभी अनुबंधित कर्मचारी को हम लोग अस्थायी करेंगे, आज सरकार अस्थायी क्या करेगी, लाठीचार्ज कर रही है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार कल स्पीकर आप कल अपने स्पीकर साहब का देखा होगा, एक लास्ट लाइन जो रघुवा सरकार का जो था वो संकल्प, उसमें लास्ट लाइन उन्होंने छुपा दिया, जो बाद में हमारे अमित मंडल जी ने कहा कि नहीं, सरकार ने कहा कि आगे इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। तो 3 साल के लिए रघुवा सरकार ने अगर उन्हें लिया था तो 3 साल से 5 साल अब करिए, बढ़ाइए। आपका तो आप आज सत्ता में है, खुद की सरकार ने 3 साल के लिए लिया तो आप बढ़ाइए, अस्थाई नहीं कर सकते, कम से कम 5 साल के लिए उसको बढ़ाइए, लाठी नहीं चला सकते हैं आप, तो उनकी बातों को सुनिए आप, ये सारे चीज़ पुराने सरकार का ठीकरा फोड़ के आप बच नहीं सकते हैं। ये तो कहीं ना कहीं ये सरकार नाकाम हो गई है और ये स्पीकर महोदय सरकार की नाकामी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए रणधीर सिंह जी, धन्यवाद।